हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज लेटेस्ट अपडेट को अनाउंस करने जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस करी गई उसको बताने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक डेट की घोषणा करी है, इलेक्शन की डेट की घोषणा करी है। जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले थे, कौन कौन से? यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इन जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की इलेक्शन की डेट अनाउंस करी है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम बात करेंगे इलेक्शन की डेट कौन अनाउंस करता है। इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन हमारा कौन है? इलेक्शन जो कमिश्नर है हमारा, वो है सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र है जो हमारे इलेक्शन कमीशन है। अब कौन से नंबर के है ये? ये है 24वें नंबर के। कौन से? 24वें नंबर के हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है? सुशील चंद्र। अब इनके नीचे दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनका क्या नाम है? पहले का तो नाम है राजीव कुमार और जो दूसरा है उसका नाम है अनूप चंद्र। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन हमारा सुशील चंद्र, कौन से नंबर का? 24 नंबर का। और जो इसके नीचे दो इलेक्शन कमीशन होते हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र। अब जो डेट अनाउंस करी है पहले यूपी की, इसमें सबसे ज्यादा 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। कौन कौन सी डेट है? 10, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 और 27, और मार्च में 3 और 7 फरवरी को। टोटल सीट जिन पे इलेक्शन होने हैं 403, और जो बहुमत से जीत होगी वो 202 सीटों के ऊपर होगी। ऐसे ही पंजाब में 14 फरवरी को, उत्तराखंड में 14 फरवरी को, गोवा में 14 फरवरी को, 3 राज्यों के अंदर 14 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इनका तो बन गया वैलेंटाइन। फिर 5वें नंबर पे जो हमारा मणिपुर, मणिपुर को 3 मार्च के अंदर इलेक्शन होंगे। कितने? 60 सीटों पर, और 31 सीट वाला बहुमत पर विजयी हासिल करेगा। ठीक है, ये इसके बारे में। आगे देखते हैं हम, आगे जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उधर से क्या घोषणाएं करी गई है। जो नामांकन होगा वोटिंग के लिए, जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनका नामांकन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन। जो पर्चे भरे जाते कैसे भर जाएंगे? आपकी बार ऑनलाइन भरे जाएंगे। दूसरी फैसिलिटी जो इन्होंने पोलिंग बूथ पर दी है, पोलिंग बूथ पर जो दूसरी फैसिलिटी दी है वो किसकी है? सैनिटाइजर की और मास्क की। यानी मास्क और सैनिटाइजर पोलिंग बूथ पर रहेंगे अवेलेबल। और तीसरी जो चीज है वो ये है, धन बल पर रोक। धन बल पर ध्यान दिया जाएगा, रोक तो क्या है, ध्यान दिया जाएगा। धन बल यानी जो चुनावों में पैसा जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा अगर यूज करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और उसके ऊपर पूरा जो ब्यौरा है पूरा ब्यौरा भी मांगा जाएगा। और जो मेन 5 बातें हैं वो अनाउंस करी गई है, वो क्या है? 5 बातें मेन जो अनाउंस करी गई है, क्या है? पहली, रैलियां नहीं होंगी। अब रैलियां नहीं होंगी तो भाई प्रचार प्रसार कैसे होगा? इलेक्शन का प्रचार प्रसार कैसे होगा जब रैलियां नहीं होंगी? प्रचार होगा वर्चुअली, यानी ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। जो भी इलेक्शन का प्रचार प्रसार होगा ऑनलाइन होगा, वर्चुअली होगा, रैलियां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कोरोना को देखते हुए इस चीज के ऊपर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। दूसरी चीज है भाई, ऐसे कोरोना का काल चल रहा है, जो कोरोना संक्रमित है वो भी तो वोट डालेंगे, वो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए भी सुविधाएं रखी गई है। कोरोना संक्रमित है वो भी वोट डालेंगे, कैसे डालेंगे? उनके लिए फैसिलिटी दी गई है पोस्टल बैलेट की। यानी पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट पे मतलब वो अपनी जो इनको वोट डालना है वो पोस्ट के द्वारा वोट डाल सकेंगे, उनका भी वोट डाला जाएगा। तीसरी चीज आती है 16% बूथ बढ़ाए। बूथ क्यों बढ़ाए? बूथ बढ़ाने का यही रीजन है ताकि भीड़ भाड़ ना हो किसी भी इलाके में, और उचित दूरी के साथ में वोट अच्छे तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए डाले जाए। उसके लिए 16% बूथ को बढ़ाया गया है, और लगभग 2.15 लाख, यानी 2,15,000 पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। फिर है वोटिंग स्टेशन पर वोटर, मतलब जो पोलिंग बूथ है उधर वोटर की संख्या कितनी होगी वह भी ध्यान रखा जाएगा। 1250 से लेकर 1500 वोटर एक बार में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, फिर आज तक खर्च सीमा। खर्च सीमा क्या है? जो भी हमारे उम्मीदवार हैं वो अपनी प्रचार प्रसार के लिए कितना खर्च करेंगे वह अनाउंस किया गया, वह भी बढ़ा दिया गया पहले के मुकाबले।
जैसे 2014 की हम बात करें, जो एमपी के इलेक्शन होते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उस टाइम पे वह बड़े इलाकों में 70 लाख और छोटे इलाकों में 54 लाख पहले लगा सकते थे। अब इनकी लिमिट को बढ़ाकर 95 और 75 लाख कर दिया गया है। ऐसे ही जो एमएलए के जो अब लड़े जा रहे चुनाव, अब कौन से चुनाव लड़े जा रहे हैं, ये एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव ये लड़े जा रहे हैं। इनके अंदर बिग एरिया कौन सा हो गया हमारा, जैसे यूपी वाला, इन एरिया के अंदर जो 28 लाख था पहले खर्च का बजट, वह 40 लाख कर दिया गया है। और इस्माल जैसे गोवा मणिपुर हुए, इनके अंदर 20 लाख के बजाय अब 28 लाख तक वह उम्मीदवार खर्चा कर सकते हैं। यह इनकी जो लिमिट है बढ़ाई गई है। अब इसी में हम एक चीज और बात करें कि भाई खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, ये दिखाएंगे इतना तो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा इनको। और एक चीज और, अगर हम कहें कि भाई यह इनसे ज्यादा पैसे करते हैं खर्च, तो खर्च करते हैं, अगर इनके खिलाफ प्रूफ पाया जाता है तो उसके लिए भी एक कार्रवाई का ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी कार्रवाई के ऊपर भी देखते हैं कैसे कार्रवाई होती है इनके ऊपर। इसमें हम देखते हैं जो अगर उनकी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है या जो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दो धारा है जिनके ऊपर काम किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एक्ट बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कब का, 1951 का एक आरपीए एक्ट बना हुआ है। किसके लिए, इसमें दो धाराएं हैं, एक तो सेक्शन 77। सेक्शन 77 क्या कहता है, जो भी ये खर्च काउंट करा जाएगा कहां से कब तक करा जाएगा, नॉमिनेशन से रिजल्ट तक। कब तक, नॉमिनेशन से रिजल्ट तक, यानी जब उसने अपना नामांकन करा है, अपने आप उम्मीदवार को, उम्मीदवार ने अपने आप को नामांकन करा है, ऑनलाइन अप्लाई करा है, उसके बाद से लेके जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक का जो खर्चा काउंट होता है वो काउंट होगा। कितना पड़ा था हमने, 40 लाख रुपए, किसके लिए, एमएलए के इलेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसके अंदर सेक्शन 10A, सेक्शन 10A, इसके अंदर क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो खर्चा, खर्चे की बात थी कितनी, 40 लाख की हमने बात करी, 40 लाख जो खर्चा है और वो जो उम्मीदवार है उसने उसको दिखाया और 40 लाख से ज्यादा दिखा दिया तो उसके ऊपर सीधे कार्रवाई करी जाएगी। क्या होगा, एक तो उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, तुरंत उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ, इतना ही नहीं, साथ ही साथ उसको 3 साल के लिए वह क्या है, चुनाव भी नहीं लड़ सकता। कब तक, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए चुनाव से भी उसको बाधित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कार्रवाई है अगर इलेक्शन के टाइम जो है गलत पाए जाते हैं इन दो चीजों के अंदर, ठीक है। चलो अब कुछ और जान लेते हैं, अब बात चल रही है इसकी आचार संहिता की, तो आचार संहिता के बारे में बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। चलो अब बात करेंगे आचार संहिता, आचार संहिता होती क्या है, कब लगती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आचार संहिता काफी सुना होगा, आचार संहिता भाई यार इलेक्शन से पहले लग जाती है, अब होती क्या है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार संहिता लागू कब से होती है, लागू होती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब यह घोषणा करी जाती है, क्या, कि भाई ये तुम्हारे इलेक्शन की डेट है, जब से यह जो आचार संहिता वह लग जाती है। और कब तक लगी रहती है, जब तक उस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता यह आचार संहिता लगी रहती है, ठीक है। आचार संहिता होती क्या है यह भी तो पता होना चाहिए। अब आचार संहिता क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, किसके लिए नियम बनाए जाते हैं, निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि जो चुनाव है वह निष्पक्ष और अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन की एक यही तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो इनके लिए यह कुछ नियम बनाती है और उन नियमों को सबको ही पालन करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं, ठीक है। अब लगती कब हमने बता दिया, जब यह घोषणा करते हैं इलेक्शन की डेट के, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक यह लगती है, ठीक है। अब इसको जब यह आचार संहिता लग जाती है तो कुछ अलाउड होता है कुछ नहीं अलाउड होता है, यानी कहां कहां इस आचार संहिता का इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आचार संहिता की अगर हम बात करें, सबसे पहले कोई नई योजना और निर्माण कार्य नहीं होंगे, मतलब कोई भी सरकार द्वारा नई योजना या फिर निर्माण कार्य कोई करवाना है तो वह आचार संहिता के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, जनउपयोगी काम, कौन से काम, जनउपयोगी जो पब्लिक के लिए काम किए जाते हैं,
अगर वह कार्य पूरा होने वाले हैं, ठीक है, वह कार्य अगर पूरा होने वाले हैं तो वो काम पूरे होंगे, उनको बीच में नहीं रोका जाएगा। ऐसा ही अगर कोई काम पूरे हो गए हैं, ठीक है, जो काम जो योजना सरकार ने दे रखी है वह योजना पूरी हो गई है, तो उस योजना का जो भुगतान होता है, उस योजना का जो भुगतान होता है, पैसे रिलीज करने पड़ते हैं, वह होंगे, ठीक है, वह आचार संहिता के अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। फिर आगे हम बात करें तो अब क्या चीजें अलाउ नहीं है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारे सीएम होते हैं या कोई भी हमारे मंत्री होते हैं, उनको जो सरकारी गाड़ियां मिली होती है वो क्या हो जाएंगी, बंद। मतलब सरकारी गाड़ियों से मंत्री या सीएम कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा, ठीक है, नहीं कर सकेगा, कब, आचार संहिता के अंदर। फिर आ जाता है कोई अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग भी नहीं करी जाएगी आचार संहिता के अंदर। अब ये क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग, जैसा होता है ना किसी नेता का, भाई ये बंदा तो हमारे इलेक्शन के अंदर हमारे को हरवाने के काम में रहे क्योंकि हमारे अपोजिशन में है, या कुछ भी हो लगता हो उसको, तो सत्तारूढ़ पार्टी क्या होती है उस अधिकारी का ट्रांसफर वगैरह करने के लिए करती है। तो इसी कंडीशन को शायद देखते हुए इस नियम को बनाया गया है कि भाई किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग आचार संहिता के अंदर नहीं करी जाएगी। थर्ड आ जाता है विज्ञापन के लिए सरकारी फंड, क्या जो प्रचार करेंगे विज्ञापन करेंगे उसके अंदर भी जो सरकारी फंड है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उद्घाटन या शिलान्यास, मतलब क्या है इसका, कोई भी नई योजना का उद्घाटन या किसी भी नई चीज का शिलान्यास इस टाइम पर आचार संहिता के टाइम पर नहीं किया जाएगा। फिर आ जाता है फाइव, क्या है, सायरन वाली गाड़ी, जो सायरन वाली गाड़ी सीएम को या मंत्रियों को जो मिली होती है उनका भी उपयोग आचार संहिता के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये था आचार संहिता का, कहाँ इफेक्ट पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है, क्या बोलते हैं और कैसे लगती है, कब लगती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो बताइएगा कैसे लगे आपको हमारे वीडियो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।